फिर जांबो जी ने विधि विधान से यज्ञ द्वारा भगवान की सेवा पूजा प्रारंभ कर दी थी। उस समय भगवान को मानने वाले सब लोगों ने यज्ञ द्वारा भगवान की सेवा पूजा में भाग लिया था और सब मिल करके प्रेम भाव से यज्ञ द्वारा भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे। उस समय भगवान के हुक्म से जांबोजी ने बाजोजी को अपने पास बुला करके एक घी रखने का बर्तन, जिसको डिविया कहते हैं, वो डिविया दे करके कड़ाव में से घी मंगवाया और कहा कि राजा, भगवान की कृपा सही है, इस बात का मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। भगवान के हुक्म से ये बात मैंने जान ली है। भगवत कृपा जो है तुम समझो, और भगवत कृपा से ही तुम्हारे को घी मिलेगा। डिबिया नाम सुन करके आप विचार करते हो, कौन सी डिबिया? भगवान की सेवा पूजा के लिए उसमें घी रखने के लिए जांबोजी एक अपने पास में डिबिया रखते थे। आज वो डिबिया बिश्नोई मंदिर गांव जांगलू में पड़ी है। जो लोग डिब्बी भरते हैं, धर्मगुरु जांबोजी ने बताया था कि भगवान की पूजा के लिए जो इसमें घी भरेगा भगवान के अर्पण करके, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो सजनों, बाजो जी ने गुरु फरमाई का काम किया। अरे बाजो जी जब डिबिया लेके पास कढ़ाव के आया जी, बाजो जी जब डिबिया लेके पास कढ़ाव के आया जी, भगवत नाम सुमर तेरे बाजे हाथ जोड़ श्री नाया जी, भगवत नाम सुमर तेरे बाजे हाथ जोड़ श्री नाया जी, बाजे को भगवत पे भरोसा जरा नहीं घबराया जी, डिबिया भर कर बाहर निकाली ताज गिरत दर्शाया जी, भगवत ने कृपा कर सजनों पानी का गिरत बनाया जी। चमत कहर भगवत का इस विद बाजे जी ने पाया जी, भगवत पूजा यज्ञ में बाजे आकर गिरत चढ़ाया जी, भगवत अर्पण गिरत हुआ जब जांबे जी फरमाया जी, हलवा चार करो सब मिलकर शिष्य गणों को बुलाया जी, जांबो जी की बात मान कर शिष्यों ने हुक्म बजाया जी, शिष्यों ने हुक्म बजाया जी, हलवा बन कर चार हुआ जब भगवत अर्पण लाया जी, उसी समय जांबो जी ने वह अमृत पाल बनाया जी। उसी समय जांबो जी ने वह अमृत पाल बनाया जी, धर्म नियम का ज्ञान बता कर जांबे जी पाल पिलाया जी, पूर्ण आहूति भगवत महिमा आरती कीर्तन गाया जी, फिर पूर्ण भाई फिर पुरस्कारी शुरू हुई और सबको भोजन जिमाया जी, राम करण के भगवत महिमा गाये जी व सुख पाया जी, गाये जी व सुख पाया जी। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। जांबोजी की दी हुई दिव्या लेकर के बाजोजी भगवत नाम स्मरण करते हुए कड़ाव के पास में गए और दोनों हाथ जोड़ करके बार बार भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, बार बार भगवान को प्रणाम करते हुए बाजोजी ने भगवान के भरोसे कड़ाव में से दिव्या को भर करके बाहर निकाला। तब भगवत कृपा से पानी का सच ही घी बन गया था। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। बाजोजी ने देखा ये तो बिल्कुल घी है। बाजोजी गदगद होकर के भगवत नाम स्मरण करते हुए सब प्रकार से भगवान को प्रणाम किया और घी लेकर के यज्ञ द्वारा घी भगवान के अर्पण किया। उस समय जांबोजी ने अपने शिष्य गणों को कह करके भगवत कृपा से पानी के बने हुए घी से हलवा
जो बनवाया और भगवान के अर्पण करके हलवे को जांबू जी ने भगवान के नाम का अमृत प्रसाद भोजन तैयार किया और उसी समय जांबू जी ने भगवान के नाम का अमृत पाल बना करके और धर्म नियम का उपदेश करके सजन गणों को भगवान के नाम का अमृत पाल पिलाया और फिर भगवत महिमा आरती कीर्तन गाया। भगवत महिमा सत्संग जमे जागरण को पूर्णावृति करके जांबोजी ने जब भगवान के हुक्म से भोजन जीमने और जिमाने का काम शुरू किया तब जांबोजी सहित सब लोग भगवान के नाम का अमृत प्रसाद भोजन पान करने लगे थे। भगवत पूजा ना करी ए जी, भगवत पूजा ना करी दुर्जन पापी नीच, हलवा खीर जी मन लगा बेट सभी के बीच। चमत्कार भगवान ने दुर्जन को दिया दिखाए, फूटी कोड शरीर में तो लोही रात बहा जाए। भाग खड़ा वहां से हुआ पापी दुष्ट दुर्जन, बहुत जलन तन में हुई तो जैसे लगे अगन। जम्ब शिष्य गण भेज के और वापिस लिया बुलवाए, दुर्जन आया का पता तो जीव बहुत दुख पाए। दुर्जन को सब पूछ के लिया जम्ब सब जान, पाप किया फल मिल गया सबको दिया प्रमाण। जांबो जी के सामने दुर्जन कही सुनाए, जीव बहुत दुख पा रहा कि जो गुरु उपाय। दुर्जन पापी दुष्ट पुरुष था, उसने ना ही तो भगवान के नाम का श्रवण किया और ना ही भगवान की किसी प्रकार से सेवा पूजा में भाग लिया और ना ही भगवान के नाम का अमृत पाल किया था। जब वो दुष्ट पापी दुर्जन भोजन करने के लिए बैठता है तब भोजन का ग्लास उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और उसके शरीर में खुजली आने लग जाती है, शरीर में जलन होती है। दुर्जन पापी दुष्ट देखता है तो शरीर में से लोही और रात बहा जा रहा है, उसके शरीर में कुष्ठ रोग फैल जाता है। दुर्जन का जीव बहुत घबराता है और वो वहां से भाग खड़ा होता है। जांबो जी ने अपने शिष्य गणों को भेज करके दुर्जन को वापिस बुलाया। जांबो जी ने दुर्जन से पूछ करके सब हाल जान करके सबको ये बात बतलाई कि देखो दुर्जन ने पाप का काम किया, उस पाप से इसके शरीर में कुष्ठ रोग जो फैल गया है, भगवान ने इसको इसकी करनी का ही फल भोगाया है। जब वो दुष्ट पापी दुर्जन जांबो जी के सामने निवेदन करता है कि गुरु जी मेरा जी बहुत दुख पा रहा है, भगवान के हुक्म से आप मेरा कोई उपाय करो जिससे मेरे जो रोग की निवृत्ति हो, मैं रोग से मुक्ति पाऊं और आगे के लिए फिर मैं कोई जो है बुरा काम नहीं करूंगा। जब जीव रहो है भाई दुर्जन को दुख पाई, तब जांबे जी वचन सुनाओ। जब जीव रहो है दुर्जन को दुख पाए भाई दुर्जन को दुख पाए, तब जांबे जी वचन सुनाओ। दुर्जन मारे रे सब दरो कर ले हृदय ज्ञान भाई, कर दे हृदय ज्ञान तू, कर ले रे हृदय ज्ञान तू, जांबे जी रे ज्ञान बतारियो। जब जीव रहो है दुर्जन रो रे दुख पाई भाई, दुर्जन रो दुख पाई, तब जांबे जी वचन सुनारियो। दुर्जन जग में जीव सब कर्मों का फल पाए भाई, कर्मों का फल पाए तूने करनी रोरे फल पारियो। अब भगवत शरणो साच एक है उपाय, साचो एक उपाय जम दुर्जन ने समझारी।
सुर जन्म हरे सब दरो कर ले हृदय ज्ञान तुम कर ले रे हृदय ज्ञान तू दबे दी ज्ञान बतारी ओ जांबे जी दुर्जन ने जब दियो है स्नान कराई जांबे जी दुर्जन को जब दियो है स्नान कराई सब कपड़े नए पहनावी हो जांबे जी दुर्जन को लियो अपने पास बिठाए भाई अपने पास बिठाए शुद्ध कपड़ो ऊपर ओढ़ारी जांबे दी माला दीनी जब दुर्जन रे हाथ भाई जब दुर्जन रे हाथ और कान में मंत्र सुनारियो दुर्जन रटले वही मंत्र है खास वही मंत्र है खास मैं थाने मंत्र सुनारियो जांबे दी दियो जी दियो जी ओ जांबे दी दियो जी साच मंत्रो नाम भाई साच मंत्रो नाम दुर्जन के हृदय रे बिठारियो दुर्जन मानी जांबे जी रे बात ओ जांबे जी रे बात भगवद रो ध्यान लगारी दुर्जन कर ले रे मारे रे शबद रो ज्ञान रे मारे रे शबद रो ज्ञान ओ जांबे जी रे शबद सुनारियो ए दुर्जन मानी दुर्जन मानी रे मानी जांबे जीरी रे बात भगवद रो ध्यान लगारियो सजनो भगवदरी नित महिमा अनत अपार जिन रोकिणी पार न पारियो हे नाम रचो जिन धर भगवद रो ध्यान ओ धर भगवद रो ध्यान भाई मन इशारो फल पारियो जांबे दी कर उपदेश और थोड़ी रे देहर के बाद ओ थोड़ी रे देहर के बाद कपड़े पोरे दूर खटारियो सजनो भगवद नाम सुझड़ गई तनरी को उझड़ गई तनरी को दुर्जन तन 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 पारियो इस विद देखियो जी चमत्कार सब लोग वो चमत्कार सब लोग सबके मन धीरज आयो सबने मानी मानी जांबे जीरी बात भाई जांबे जीरी बात पथ विष्णु हिरे अपनारियो जांबा गुरु मंत्र अरे जांबा गुरु जी से मंत्र ले हो गए निहाल भाई हो गए लोग निहाल जिन साच मंत्र उरलारियो सजनो साच गुरुरी मानो यही पहचान ओ मानो यही पहचान जिन भगवद नाम जपारी सबरल मिल प्रेम से बोल रहे जयकार भाई बोल रहे जयकार भगवद रो सहज गुण गायो कथ राम करण कहे धर भगवद रो ध्यान भाई धर भगवद रो ध्यान जुगति मुगति रो फल पारियो सबरल मिल सबरल मिल भाई बोले प्रेम से सबरल मिल करके पापी ने पाप के फल कोड रोग से दुखी होकर के जांबो जी के सामने निवेदन किया कि हे गुरु जी
इस कोट दुख से मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही काम करने के लिए तैयार हूँ। तब भगवान के हुक्म से जाम्बो जी ने अपने शिष्य गणों को कहकर के दुर्जन को स्नान करवाया, सब नए कपड़े पहनाए। जाम्बो जी ने दुर्जन को अपने पास में बिठा करके एक माला उसके हाथ में दी और कान में भगवत नाम का मंत्र कह करके जाम्बो जी ने कहा, दुर्जन अब तू भगवत नाम का स्मरण कर, भगवान ही सब ठीक करने वाले हैं। और जाम्बो जी ने भगवत नाम से पवित्र की हुई एक चादर दुर्जन को ओढ़ाई थी। फिर जाम्बो जी ने भगवत महिमा का उपदेश करने जाम्बो जी भगवत महिमा का उपदेश करने लगे थे। थोड़ी देर के बाद जाम्बो जी दुर्जन को ओढ़ाई हुई चादर जाम्बो जी यानी जब दूर लेते हैं तब सब लोग क्या देखते हैं कि दुर्जन जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। उसका कोट जो शरीर में थी वो कोट मिट गई है और शरीर कंचन के समान चमक रहा है। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। और दुर्जन निरंतर भगवत नाम का स्मरण किए जा रहा था। जाम्बो जी ने सब लोगों को कहा कि देखो सजनों, ये भगवत नाम की महिमा का चमत्कार है। तब भगवत कृपा से दुर्जन का कोट रोग खत्म हो गया है, है? और आज से दुर्जन मेरा शिष्य है। ये बात जाम्बो जी ने कही। भगवत नाम की महिमा का चमत्कार देख करके बहुत से लोग विष्णुई पंथ में सम्मिलित हुए थे। जो लोग विष्णुई पंथ में यानी पंथ में सम्मिलित होने की इच्छा से वहां आए थे और ये सत्पंथ जान करके ओम विष्णुई मूल धर्म समझ करके इस बात को वो लोग मान गए। और उस समय जाम्बो जी ने ये कहा कि एक साल के अंदर एक वर्ष के अंतर्गत अपनी ग्वारी अपने स्थान में भगवान का भजन जो है वो सही होना चाहिए। तो उस समय बाजो जी जो है जाम्बो जी के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि गुरुजी आप पहला सत्संग जमा जागरण जो है मेरे गृहस्थ से ही आप प्रारंभ करो, क्योंकि वैसे तो पहला सत्संग जमा जागरण जो आपने समराथल धोरे प्रारंभ कर ही दिया है और दूसरा जागरण जो गृहस्थी लोगों में आप लागू करोगे चालू करोगे तो सबसे पहला जागरण मेरे घर से ही करो। तब जाम्बो जी के सामने बाजो जी कहते हैं, हाथ जोड़ कर बाजो जी ने नम्र निवेदन किया जी, हाथ जोड़ कर बाजो जी ने नम्र निवेदन किया जी, जाम्बा जी म्हारे आंगन में जाम्बा जी म्हारे आंगन में जागरण जमो रचाओ जी, जागरण जमो रचाओ जी, पाप ताप मिट जावे जागरण लागता रहे, पाप ताप मिट जावे धर्म जागता रहे, हाथ जोड़ कर बाजो जी ने नम्र निवेदन किया जी, हाथ जोड़ कर बाजो जी ने नम्र निवेदन किया जी, जाम्बा जी म्हारे आंगन में जाम्बा जी म्हारे आंगन में जागरण जमो रचाओ जी, पाप ताप मिट जावे जागरण लागता रहे, पाप ताप मिट जावे धर्म जागता रहे। मोमन संत भगत सबरल मिल प्रेम से आयो जी, साधु मोमन संत भगत सबरल मिल प्रेम से आयो जी, साज सुरीला भगवत महिमा साज सुरीला भगवत महिमा, साखियां थे तो गई जो भजन साखियां गई जो जी, वो साज सुरीला भगवत महिमा भजन साखियां गई जो जी, पाप ताप मिट जावे जागरण लागता रहे, पाप ताप मिट जावे धर्म जागता रहे, हाथ जोड़ कर बाजो जी ने नम्र निवेदन किया जी, हाथ जोड़ कर बाजो जी ने नम्र निवेदन किया जी, जाम्बा जी म्हारे आंगन में जाम्बा जी म्हारे आंगन में जागरण जमो रचाओ जी, जागरण जमो रचाओ जी, पाप ताप मिट जावे जागरण लागता रहे, पाप ताप मिट जावे धर्म जागता रहे।
भगवत की जय तार कीर्तन गुरु जी बोल बुलाई जोड़ी। भगवत की जय तार कीर्तन गुरु जी बोल बुलाई जोड़ी। शब्द सार को भिन्न भिन्न करके शब्द सार से भिन्न भिन्न करके सबको ज्ञान सुनाई जोड़ी। सबको ज्ञान सुनाई जोड़ी। पाप ताप मिट जावे धर्म जागता रहे। पाप ताप मिट जावे जागन लागता रहे। हाथ जोड़ कर बाजो जी ने नम्र निवेदन किया जी। हाथ जोड़ कर बाजो जी ने नम्र निवेदन किया जी। जांबा जी मारे आंगन में जांबा जी मारे आंगन में जागण जमोर चाहूंगी। जागण जमोर चाहूंगी। पाप ताप मिट जावे जागण लागता रहे। पाप ताप मिट जावे धर्म जागता रहे। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। धर्मगुरु जांबो जी ने जब लोगों से कहा कि एक वर्ष के अंतर्गत अपने घर स्थान में भगवत महिमा सत्संग जमा जागरण होना चाहिए और बाजो जी ने इस बात के लिए जब जांबो जी से निवेदन किया तो जांबो जी अब अपनी शिष्य मंडली को साथ में लेकर के जसरासर बाजो जी बिश्नोई तट के यहाँ सत्संग जमा जागरण करने के लिए जा रहे हैं। समराथल से जसरासर को चाल पड़े थे जांबू जी। समराथल से जसरासर को चाल पड़े थे जांबू जी। साधु मोमन सबरिल मलकर भाई साधु मोमन सबरल मिलकर बाजे के घर आवे जी। बाजे के घर आवे जी। बाजो जी गुरु कर आवन रो कोडी करे चार करे ओ कोडी करे। साधु मोमन संत भक्त मिल भाजे के घर जावे जी। भाजो जी गुरु घर आवन रो साव करे कोडी करे। रथ में बैठा जांबो जी भगवान नाम को जाप करे। रथ में बैठा जांबो जी भगवान नाम को जाप करे। भगवत की जयकार बोल कर सबसे जय बुलवावे जी। सबसे जय बुलवावे जी। बाजो जी गुरु घर आवन रो कोडी करे चारी करे। समरा थल से जसरा सर को चाल पड़े थे जांबू जी। समरा थल से जसरा सर को चाल पड़े थे जांबू जी। साधु मोमन सब बदल मिलकर भाजे के घर जावे जी। बाजो जी गुरु घर आवन रो चाव करे कोडी करे चारी करे। चलते चलते जांबो जी जग जसरा सर में पहुंचा जी। चलते चलते जांबो जी जग जसरा सर में पहुंचा जी। भगवत की कृपा से आसन गाम किनारे लगावे जी। गाम किनारे लगावे जी। बाजो जी गुरु घर आमन रो चार करे कोडी करे। समरा थल से जसरा सर को चाल पड़े थे जांबो जी। समरा थल से जसरा सर को चाल पड़े थे जांबू जी। साधु मोमन रल मिलकर सब बाजे के घर जावे जी। बाजो जी गुरु घर आवन रो चाव करे कोड करे चाव करे। बोलो प्रेम से ओम विष्णु भगवान की जय। जब धर्मगुरु जांबू जी जसरा सर पहुंचे अपनी शिष्य मंडली सहित गांव से बाहर किनारे अपना आसन लगाया उस समय बाजो जी आकर के निवेदन किया कि गुरुजी आप मेरे घर आंगन चलो। अपनी शिष्य मंडली सहित भगवान के हुक्म से जब भगवान के हुक्म से जांबो जी बाजो जी के गृहस्त में गए विधि विधान से सत्संग जमा और जागरण कायम किया उस समय बाजो जी बड़े खुश हुए और उनके मुख से इस प्रकार से वाणी निकलने लगी। धन धन मारो भाग जागियो। धन धन मारो भाग जागियो। जंब गुरु आया आंगन में सगड़ा पाप धो दिया मेरा जुमले और जागण में। धन धन मारो भाग जागियो। धन धन मारो भाग जागियो। जंब गुरु आया आंगन में सगड़ा पाप धो दिया मेरा
सजमले और जागन में समरा थल है सोहवनी नगरी कण कण हीरा मोती है जिसपे जिसपे जगाई जामे जी ओम विष्णु नाम की ज्योति है जिस प्रकार से जाम्बो जी ने वही प्रसन्न पहलिया सागण में पगड़ा पाप धो दिया मेरा इस जुमले पुर जागण में धन धन मारो भाग जागियो धन धन मारो भाग जागियो जम्ब गुरु आया आंगण में सगड़ा रे पाप धो दिया मेरा इस जुमले पुर जागण में भूला रे भट क्या जीवा सारू जागण जमोर जायो है वर्ष एक में जमो लगाओ भाई ऐसो वचन फरमायो है जमो लगाओ हवन कराओ जमो लगाओ हवन कराओ सुख हो मधु गुण गावन में सगड़ा पाप धो दिया मेरा इस जुमले पुर जागण में धन धन मारो भाग जागियो धन धन मारो भाग जागियो जम गुरु आया आंगन में सगड़ा पाप धो दिया मेरा इस जुमले पुर जागण में बचपन खेल कूद में खोया भूलो रहो जवानी में कई जवानी आयो बुढ़ापो गुरु किया जवानी में भलो दियारो ऐसे जैसे दशती फागण में सगड़ा पाप धो दिया मेरा इस जुमले पुर जागण में धन धन मारो भाग जागियो धन धन मारो भाग जागियो जम्ब गुरु आया आंगण में सगड़ा पाप धो दिया मेरा इस जुमले पुर जागण में न्यून प्रणाम ओम विष्णु को सेवक भोलो भालो हूँ जम गुरु ज्ञान बतायो मुझको वही समझने वालो हूँ साधे भगते कमियन राखी साधे भगते कमियन राखी साखी भजन सुनावण में सगड़ा पाप धो दिया मेरा इस जुमले पुर जागण में धन धन मारो भाग जागियो धन धन मारो भाग जागियो जम गुरु आया आंगण में सगड़ा पाप धो दिया मेरा इस जुमले पुर जागण में अनंदरी शोभा मारे मुख से वरणी नहीं जावे इन अनंदरी शोभा मारे मुख से वरणी नहीं जावे हृदय नाम ओम विष्णु रहे मेरे बाजो जी ओ वर जावे हृदय नाम ओम विष्णु रहे मेरे बाजो जी ओ वर जावे भूली रे चूकी माफ करी जो भूली चूकी माफ करी जो सेवा चाकरी राखण में सगड़ा रे पाप धो दिया मेरा इस जुमले पुर जागण में धन धन मारो भाग जागियो धन धन मारो भाग जागियो जम्ब गुरु आया आंगण में सगड़ा रे पाप धो दिया मेरा इस जुमले पुर जागण में सगड़ा रे पाप धो दिया मेरा इस जुमले और जागण में
धर्म करम सत भजन करो नित गुरुआज्ञा सर पर धारो। धर्म करम सत भजन करो नित गुरुआज्ञा सर पर धारो। भगवत शरण रहो बोलो नित ओम विष्णु को जयकारो। भगवत शरण रहो बोलो नित ओम विष्णु को जयकारो। राम करण नित ओम विष्णु का लग्या भजन समझावण में। सगड़ा रे पाप धो दिया मेरा इसे जुमले और जागण में। धन धन मारो भाग जागियो धन धन मारो भाग जागियो जब गुरु आया आंगण में। सगड़ा रे पाप धो दिया मेरा इसे जुमले और जागण में। ओम विष्णु नमः ओम विष्णु शरणम यूं प्रणाम ओम विष्णु भगवान ने। धन धन मारो भाग जागियो धन धन मारो भाग जागियो जब गुरु आया आंगण में। सगड़ा रे पाप धो दिया मेरा